इंटर का रिजल्ट दोबारा जारी होगा या नहीं, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बन कर रहिए। देख लीजिए, इंटर का एग्ज़ाम आप लोग दे दिए हैं और अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं आप लोग, ठीक ना। तो ऐसे में होता है कि आप लोग वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारा देखे होंगे कि इंटर का रिजल्ट दोबारा जारी होगा, आज जारी होगा 3 बजे, आज जारी होगा 4 बजे, ऐसा वीडियो आप लोग बहुत देखे होंगे कि इंटर का रिजल्ट आज जारी हो गया, ऐसे करे चेक। लेकिन इंटर का रिजल्ट दोबारा जारी नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि अभी तक बिहार बोर्ड ना ही दोबारा रिजल्ट जारी किया है और ना ही दोबारा रिजल्ट जारी करेगा। अगर आप अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं तो आप लोग स्क्रूटनी करा लीजिए, चैलेंज करा लीजिए, जिस विषय में आपको दिक्कत है उसमें चैलेंज करवा लीजिए, या चैलेंज से भी आप पास नहीं होते हैं, अगर आप लोग चैलेंज से भी पास नहीं होते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है कि आप कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम दे दीजिए। आपको जिस सब्जेक्ट में क्रॉस लगा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, ठीक ना, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट में अगर क्रॉस लगा है, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट या तीन सब्जेक्ट या सब सब्जेक्ट में आपको फिर से एग्ज़ाम देना है तो कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम दे दीजिए। सब सब्जेक्ट का आपको मन है तो सब सब्जेक्ट का दे सकते हैं, या आपको मान के चलो फिजिक्स या केमिस्ट्री ये दोनों में क्रॉस लग गया तो आप ये दोनों सब्जेक्ट का कंपार्टमेंटल फॉर्म भर के इसका एग्ज़ाम दे सकते हो, जो कि अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग अपने स्कूल से पूछते रहिए कि कंपार्टमेंटल का फॉर्म कब भराएगा, तो आप कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरिए और उसका एग्ज़ाम दीजिए, उससे आप पास हो जाइएगा। लेकिन इंटर का रिजल्ट दोबारा जारी नहीं होगा, ठीक ना, ये सब फेक वीडियो है।